डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा था, आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर एक वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपकी बुक से ही है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, आप नोटिस कर लें। सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज़ 30,000 इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वन ऑफ देम यील्डिंग 7% इंटरेस्ट पर एनम एंड द अदर इज़ यील्डिंग 5% इंटरेस्ट पर एनम। How much a person must invest in order, or in two types of bonds in order to get the total yearly interest is rupees 1800. And most important part is, do this problem using matrix algebra या matrix multiplication algebra। सवाल में इम्पोर्टेंस हम सबको पता है कि जब एक इन्वेस्टमेंट पर 7% ईयरली इंटरेस्ट है, दूसरे पर हमारे पास 5% इंटरेस्ट है, और वी ऑल नो कि हमारे पास ईयरली इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है जो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। हेयर टाइम भी हमें क्लियर है, इट इज़ वन ईयर, ईयरली इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है, तो पी इंटू आर अपॉन 100। बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सम इज कि हमने इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करते हुए हमने दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, हमें इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए, कैसे हम निकालते हैं। फिर अब हम इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडिया भी होना चाहिए कि हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक तो पी और एक आर अपॉन 100। और फिर जिसमें हमें ये भी पता है कि अगर मैं एक प्रिंसिपल ले भी लूँ कि मैं मान लूँ लेट द पर्सन मस्ट इन्वेस्ट रुपीज एक्स ऑन 7% इंटरेस्ट बॉन्ड, सो ऑब्वियसली मेरे पास रिमेनिंग बचा 30,000 माइनस एक्स, इट विल बी इन्वेस्टेड ऑन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज यील्डिंग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसे ध्यान रखना है हमें हमेशा फार्मूले को, तो एक तो 7% इंटरेस्ट वाला एक्स और दूसरा जो 5% इंटरेस्ट दे रहा है उस पर अमाउंट हमने मान लिया प्रिंसिपल 30,000 माइनस एक्स लगा दिया। नाउ द अदर पार्ट जो कि हमें ईयरली इंटरेस्ट देगा प्रिंसिपल और रेट अपॉन 100 के प्रोडक्ट से, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सम में ईयर जो है वो वन ईयर है। इसका मतलब, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर आना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने ये प्रिंसिपल मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब इसी के पैरेलल, क्योंकि हमें पता है जो मैट्रिक्स अलजेब्रा कहता है मल्टीप्लिकेशन को लेकर, वो रो टू कॉलम है, तो उसी से हम ये जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका आर नाम से हम दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब हमें पता है एक्स हमारा अमाउंट है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो यहाँ 7x/100 और दूसरा हमारा सेकंड अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट 30,000 माइनस एक्स इनटू 5/100। अब जब हमारे पास आर और पी ये दो मैट्रिक्स तैयार हो गए, तो इनके प्रोडक्ट से आर इनटू पी से वी कैन गेट द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर कंप्लीट वन ईयर। यहाँ आर में सॉरी आई डिड द मिस्टेक, पी इंटू आर से हमारे पास रिजल्ट आएगा, आर इंटू पी से नहीं। पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखा जाएगा एक्स और 30,000 माइनस एक्स, और यहाँ उनके रेस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये ध्यान रखना है, अगर एक हमने ये कॉलम मैट्रिक्स बनाया है 1/2 ऑर्डर का, तो नेचुरल सी बात है दूसरा बनेगा 2/1 ऑर्डर का, क्योंकि हमें ये भी क्लियर होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम करना है, पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे में नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, 7x/100 और 5
30,000 माइनस एक्स अपॉन 100, इस एक्स की जरूरत नहीं है, 7 एक्स अपॉन 100, ठीक, यहाँ भी 30,000 माइनस एक्स, और इसकी ज़रूरत यहाँ भी नहीं है, ये वन ईयर इंटरेस्ट है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रो टू कॉलम वाइज, पहला 7x अपॉन 100 जो पहले वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट आ गया, 30,000 माइनस एक्स इंटू 5 अपॉन 100 जो कि दूसरे वाले पर आ गया, और ये टोटल इंटरेस्ट जैसा कि सब में लिखा हुआ है हम 1800 के बराबर रख देंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, आप बुक से चेक कर लें, उसमें आपने इस इंटरेस्ट को 2000 या 2100 रखना है। अब इसे कंपेयर करके 7x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की क्वालिटी से हम इस फिगर को 1800 के बराबर 100 एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट विल बिकम दिस मच, इट इज 7x, 5 7s are 5 3s are 15, 1,50,000 माइनस 5x, आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन 2x, 1,80,000 माइनस 1,50,000, राइट साइड इज 30,000, सो व्हेन वी डिवाइड 30,000 बाई x, सो x हमारे पास जब 15,000 आ गया तो नेचुरल सी बात है अदर अमाउंट हमारा था 30,000 माइनस x, इसका मतलब उसने रुपीज़ 15,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड ऑन ईच टाइप ऑफ बॉन्ड इन ऑर्डर टू गेट रुपीज 1800 एज टोटल ईयरली इंटरेस्ट। ये हमारा मैट्रिक्स मेथड से या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से इंटरेस्ट का सवाल हुआ, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आप इसको पढ़कर रखें और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।